हेलो फ्रेंड्स, आज हम चेक करेंगे कैनन एडवांस 6275 में एक प्रॉब्लम आ रहा है। जिस तरीके से ये A3 मैंने प्रिंट दिया हूँ, अभी इसके बैक साइड में ये पूरा शेड आ रहा है, ब्लैक शेड आ रहा है। ये प्रॉब्लम आता है हमारे IBT बेल्ट का। IBT बेल्ट जो होता है हमारा ट्रांसफर बेल्ट, ये वाला, इसमें क्या होता है, इसके क्लीनिंग ब्लेड खराब होने की वजह से इस पर, ये देखिए, ये टोनर इस पर लग रहा है। ये देखिए, मेरी उंगली साफ है, ये देखिए, ये टोनर हमारे पीछे इसे पेपर पर लग कर आता है और ये हमारे फ्रंट साइड क्लियर आता है। तो आज हम इसका IBT क्लीनिंग ब्लेड बदलेंगे। किस तरीके से बदलेंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी सबसे पहले हम मशीन बंद कर देंगे। उसके बाद हम इस वाले कवर को खोलेंगे। यहाँ पे दो क्लिप होते हैं, यहाँ पे एक है स्टील की पट्टी और यहाँ पर एक है। इसे पकड़ के बाहर खींचना है। इसके बाद इसे सिंपल इस तरीके से वर्टिकल उठाना है और ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे ये क्लीनिंग ब्लेड है, इस वाली ब्लेड को हमें चेंज करना है। क्लीनिंग ब्लेड बदलने के साथ साथ हम इस पर ब्लोअर भी मार लेंगे बाहर निकाल के। उसके लिए हमें इस कवर को निकालना होगा। उसके बाद इस फैन कवर को निकालेंगे। उसके बाद इस वाली मोटर को निकालेंगे हम। उसके लिए यहां अंदर एक नट है, दूसरा नट यहां पर है। यहाँ अंदर एक नट है इसका। इसे हम साफ भी कर लेंगे, ब्लोर भी मार लेंगे और यहां पर भी ब्लोर मार लेंगे हम। अब हम इसके ये हमारी न्यू क्लीनिंग ब्लेड है, एडवांस ट्रांसफर क्लीनिंग ब्लेड। Thank you.
ये हमारी क्लीनिंग प्लेट लग चुकी है, ये हमारी पुरानी है जो इसकी धार बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब हम इस यूनिट को इसमें फिट कर देंगे। यहाँ पर दो होल्स है जो इस ब्रैकेट में जाएगी, वो चेक करके लगाना है हमें। ये देखिए यहां पर भी है, यहां देखिए ये बराबर क्लिप में बैठ चुका है। अब इसके बाद हम मोटर कहाँ है, मोटर इसके बाद हम इस मोटर को फिट करेंगे। इसका ये वाला पॉइंट ऊपर आना चाहिए और ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट हमारे यहाँ जाएगा। इसके तीन स्क्रू है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये हमारा यहाँ ब्रैकेट में से निकल गया है, ये देखिए अब बैठ गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रायर लो बाहर से, ये वाला स्क्रू यहां पर फिट होगा, इसके बाद हम इसका कनेक्टर लगा देंगे मोटर का, ये दोनों क्लिप में से इस तरीके से। अब इसका जो फैन है, इस फैन को भी हमने ब्लोअर मार के साफ कर लिया है। ये वाला हिस्सा यहाँ नीचे जाएगा इस तरीके से, ये दो स्क्रू पर है फिट।
अब हम आईपीटी ब्लेड बिठाएंगे। ये हमने कुछ प्रिंट निकाली है, अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे आईबीटी बेल्ट पे कुछ टोनर लगा है क्या, हमारा क्लीनिंग ब्लेड काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम ये देखिए, ये पूरा वाइट है, इस पे टोनर नहीं लगना चाहिए। ये देखिए बहुत कम लग रहा है अब, ये हमारा इस तरीके से करने पे बहुत ज्यादा टोनर लग रहा था, अब ये क्लीनिंग शुरू हो गई है इसकी। एक बार और प्रिंट देंगे हम, इसी प्रिंट को और देंगे हम। ये हमारी प्रिंट आउट आ चुकी है, अब हम फिर से चेक करेंगे कि हमारे आईबीटी पे कुछ टोनर बच रहा है या नहीं। ये देखिए यहाँ पर वाइट है, अब हम चेक करेंगे, ये देखिए अब इस पे टोनर नहीं लग रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज कैनन एडवांस 6275 पे आईबीटी क्लीनिंग ब्लेड और उसके यूनिट को किस तरीके से साफ करना है, ब्लोर मारना है और क्लीनिंग ब्लेड किस तरीके से डालना है। तो ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल बाबा फिक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स।